और हमारी दो दिन वीडियो नहीं आई तो लोगों ने क्या सोचा कि आप वीडियो नहीं आएगी, लेकिन हम भी बड़े कुत्ते थे, हम दो दिन कहीं गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे बता? जो फर्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। आमिर भाई ने अपने पुराने चैनल डिलीट होने के ऊपर कुछ रिएक्ट किया है और आमिर भाई ने ये बताया कि मेरा पुराना चैनल खुद की गलती की वजह से डिलीट हुआ था। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। जो लास्ट चैनल था वो कोई यूट्यूब की तरफ से नहीं गया था, वो मेरे खुद की मिस्टेक की वजह से। मेरा जो लैपटॉप था वो पूरा हैक हो गया था, किसी ने परमानेंट डिलीट कर दिया। कि तुम ना यूट्यूब से बात भी कर सकते हो, इस वाले मेरे वाले चैनल में ना एक ऑप्शन आता था जिससे ना आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। क्या हुआ, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने, जब मेरे को ये सारी चीज़ों का पता लगा ना, बात वगैरह की जाती है, तब तक 30 डेज से ज़्यादा हो गए थे। अगर 30 दिन नहीं हुए होते, मतलब 30 दिन के अंडर मैंने YouTube से बात की होती, मेरा पुराना वाला चैनल आ भी सकता था। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो भी आमिर भाई की रिलेटेड होने वाली है। आपको पता होगा आमिर भाई को काफी बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आएगा या फिर नहीं। इसी बात पे आमिर भाई ने कुछ रिएक्ट किया और आमिर भाई ने बताया कि अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस भी आ गया तो उसमें पहले जैसी रीच नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। उनसे वो सस्पेंड हुआ है, आने के भी चांसेस है 50%, बट मेन प्रॉब्लम पता क्या है, वो वापस भी आ जाएगा ना, उसमें ना पहले जैसी रीच नहीं रहेगी। कुछ क्रिएटर्स का भी गया, बहुत सारे क्रिएटर्स का गया, वापस आया, बट भाई वैसी रीच वगैरह नहीं रहती है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है इश्तियाक जी की साइड से। इश्तियाक जी के चैनल से गाइस एक और न्यू गाना आया है। मैं आपको बता दूं गाइस, न्यू गाना नहीं है, वो पुराना ही गाना है, उसका नाम है नॉट अगेन। लेकिन गाइस उस गाने को अपडेट करके लाया गया, तो मैं आपको बताता हूं गाइस उसमें क्या अपडेट किया गया। तो मैं आपको सीधा यूट्यूब खोल के दिखा देता हूं। यहां भी चक्कर है, यहां पे ना इश्तियाक जी का नया सॉन्ग आ चुका है, जाके जरूर से सुनना। और गाइस हम बताते हैं इस गाने में ना क्या चीज अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको छोटी सी क्लिप सुनाते हैं यहां से। और गाइस अब मैं बताता हूँ इसमें अपडेट क्या किया गया है। तो यहाँ से सुने, ये चीज अपडेट हुई है, तेरा बनना नहीं कुछ मैंने दस दी सीजन। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आमिर भाई को यहाँ से रिमूव करके इश्तियाक जी खुद यहाँ पे आए हुए हैं। और गाइस अभी हम ना आपको आमिर भाई भी दिखाते हैं यहाँ पे आमिर भाई कैसे आए थे। गाइस अभी हम आपको ना इसका ओल्ड वर्जन सुनाने वाले हैं जहाँ पे आमिर भाई यहाँ पे गाया था कि जब तू रोंदा सी मैं तू हंस दी सीजन। एक यहाँ से सुने आप, ये देखो आमिर भाई सुनो आप पूरा। और गाइस यार मैं आपको बता दूंगा, ये जो इश्तियाक जी का नया गाना आया गाइस, जहाँ पे आमिर भाई ने बोला था कि जदू चौंदा सी थे हस्ती सी तू। ओ क्या बकवास पड़ रहा है। आपको बताओ यार, आमिर भाई ने ये वाली लाइन गाई थी, जब तू रोंदा सी मैं तू हंसी सी तू, तेरा बनना नहीं कुछ तू मैनू दसी सी तू, तेनू लगता कि मैनू प्यार नहीं होना, प्यार होना पर मैनू तेरे नाल नहीं होना। मैं आपको बता दूं गाइस ये वाला पार्ट रिमूव करके गाइस इस जगह इश्तियाक जी खुद आ गए और जो लिरिक्स आमिर भाई ने बोली थी वही वाली लिरिक्स इश्तियाक जी ने वापस से बोली है। मैं आपको बता दूं गाइस जैसे इश्तियाक जी ने आमिर भाई का ये वाला पार्ट कट किया अपनी वीडियो से, तो इश्तियाक जी को काफी ज्यादा हेट मिलने पड़ गई थी कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको दो तीन कमेंट्स पढ़ के दिखा देता हूं। पहला कमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आमिर भाई का रैप क्यों काट दिया यार। और गाइस दूसरा जो कमेंट आ रहा है वहाँ पे आ रहा है इश्तियाक जी ने आमिर भाई की कॉपी किया, ये साइड में आपको फोटोज दिख रहे होंगे। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आलन ब्लॉग ने अपने पुराने ब्लॉग्स के ऊपर कुछ रिएक्ट किया। और गाइस उनको अपने पुराने ब्लॉग्स देख के काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, तो सबसे पहले आप उनकी स्टोरी देख लो। गाइस आज मैं अपने सारे पुराने ब्लॉग्स देख रहा हूँ। पुरानी व्लॉग गाइस, पुराने व्लॉग जितने ज्यादा फनी है ना कसम से, ये देखो सबसे पहले कमेंट्स किए उनके नाम है। ये देखो क्या बोल रहा हूँ यार मैं, पुराने ब्लॉग इतने ज्यादा फनी है ना, अगर आप पुराने ब्लॉग देखोगे मर जाओगे ना सच के। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो रही है पीर बैगर सैमी की। पीर बैगर सैमी के इंस्टाग्राम से स्टोरी ऐड हुआ है जिसमें उन्होंने कहा यार मेरा ना 2nd December को ना मेरी एक न्यू बाइक की डिलीवरी है और वहाँ पे हम छोटा सा ना मीटअप भी रखने वाले। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सैटरडे को मतलब की 2nd December को मेरा न्यू बाइक का डिलीवरी है, तो जरूर से आना तुम सब लोग। जो लोग भी कलकत्ता एंड हावड़ा के आजू बाजू से हो जरूर से आ जाना जॉयस बाइक पॉइंट पे, शाम के 4 से 5 बजे के अंदर में ले लेंगे भाई डिलीवरी।
जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है यूकेजी 7 राइडर की साइड से। आपको पता होगा यूकेजी 7 राइडर ने बताया था कि मैं बिग बॉस को क्विट करने वाला हूँ, और गाइस यार बिग बॉस ने बोला था कि ये वाला मैसेज मैं आपकी टीम तक पहुंचा दूंगा। इसी बात पे गाइस यूकेजी 7 राइडर के भाई कलमिंग ने रिएक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि मेरे को बिग बॉस की तरफ से कॉल भी आई थी, मेरे को फैमिली के रिलेटेड कॉल नहीं आई थी, उन्होंने बताया कि मेरे को ब्रो सेना से रिलेटेड कॉल आई थी। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। और एक और बात जो रही है कि हमने आपकी फैमिली को बुलाया था, दे डिडंट कम। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाया था, एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमें कॉल आया था, बट इट वॉज नॉट अबाउट दी फैमिली, इट वॉज कि आप ब्रो सेना लेके आ जाओ। सो आई आस्क रिस्पेक्टफुली, कभी मेरे को कॉल आया था, मैनेजर को कॉल आया था एक्चुअली, भाई से बात करने का मौका मिलेगा, देवर लाइक नहीं यू ब्रिंग ब्रो सेना विद यू एंड आप बिग बॉस से क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या क्या चल रहा है, आप हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। सो अगर आप मेरी भाई से मेरी डायरेक्ट बात करा देंगे, आई विल कम एंड आई विल टॉक टू हिम एंड आई विल पुश हिम इन अ वेरी गुड वे कि भाई यू कैन डू इट, ये वो सो करके, बट देवर लाइक नहीं ब्रो सेना चेन क्वेश्चन सवाल जवाब करने, सो दैट इज नॉट आई थिंक, वो मेरे को नहीं लगता वो एक सेफ था। एंड एक और रीजन ये था कि भाई खुद से नहीं चाहता था कि ब्रो सेना इन्वॉल्व हो। और जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो भी आमिर भाई की साइड से आ रही है कि आमिर भाई अपनी R1 को सेल करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सो गाइस आमिर भाई के ना YouTube कम्युनिटी से ना एक पोस्ट आउट हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि R1 को बेचकर कहीं पहाड़ पर चले जाऊं ड्रैगन को ढूंढने। इस बात का कहना ये कि वो अपनी R1 को सेल करने वाले और वो अपनी ड्रैगन Z900 को ओल्ड वाली वापस लाने वाले। सो इस बारे में आप क्या कहना कि आप इतना खुश हो गए नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताना। तू खुश है? हाँ गाइज, मैं चाहता हूँ कि आमिर भाई R1 सेल करके अपनी पुरानी वाली ड्रैगन लेके आ जाएं जो उनकी ओल्ड वाली थी। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आर की यासिर चौधरी व्लॉग और आलम व्लॉग की साइड से। क्या यासिर चौधरी व्लॉग और आलम व्लॉग आमिर भाई को वापस जम्मू लेके आने वाले हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन अभी उनसे ही कन्फर्म होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यासिर चौधरी के चैनल पे ना यहाँ पे एक कमेंट हाईलाइट हो रहा था बहुत ज्यादा, और यासिर चौधरी ने वहाँ पे उस कमेंट को ना हार्ट भी दिया था। सबसे पहले हम आपको ना एक कमेंट पढ़ा देते हैं। वहाँ पे ना एक कमेंट किया होता है, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, दिल से रिस्पेक्ट यासिर भाई, मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर करना प्लीज, नो इग्नोर प्लीज, आमिर भाई को जम्मू वापस लेकर आ जाओ प्लीज, उनको तुम्हारी जरूरत है प्लीज, चेक, नो इग्नोर, दिल से रिस्पेक्ट प्लीज रिप्लाई, इंशाल्लाह आमिर भाई को लेकर आओगे। कभी भी मैंने इस यूट्यूबर पे इतना बड़ा कमेंट नहीं किया, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। और बाकी गाइस यहाँ पे ना यासिर चौधरी ने यहाँ पे हार्ट भी दिया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना है कि यासिर भाई और आलिया व्लॉग आमिर भाई को मुंबई से जम्मू लाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रही है जट प्रभजोत की साइड से। जट प्रभजोत ना एक लॉन्ग राइड की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। एक लॉन्ग राइड का प्लान बनता है, लॉन्ग राइड, और 3 दिन वहाँ पहुंचने में लगेंगे, 3 दिन का वहाँ स्टे रहेगा, 3 दिन वापसी आने पे। तो मेरा अंदर से मन हो रहा है मैं ग्रैंड अमेरिका लेके जाऊँ, एकदम गाने सुनते हुए शहनशाह की तरह। आप लोग क्या कहते हो, अपनी सारी बाइकों में से कौन सी बाइक लेके जाऊँ, कोई एक बाइक बताना। ग्रैंड अमेरिका R1 एस2 भी रेडी नहीं हुई है, ये वाली 10R, मेरा मन ग्रैंड अमेरिका का है, आराम से गाने सुनते हुए जाऊँ मस्त एकदम। नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो यासिर चौधरी के साइड से। यासिर चौधरी के चैनल से एक वीडियो आउट हुई है जिसमें ना आलियान लोग एक ना हार्ले डेविडसन बाइक को ड्राइव करते हुए दिखे, और गाइस उन्होंने ये बताया कि अगर आप चाहते हो कि ये वाली बाइक हम ले लेते हो कमेंट करो। तो गाइस कमेंट करके बताना कि मैं लूँ या आई मीन कि हम इसमें ली, मैंने ली, एक ही बात है बस। गाइस आप कमेंट करके बताओ कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है अलवी यादव की साइड से। मैं आपको बता दूं गाइस, अलवी यादव पंजी जंपिंग करने के लिए जाते हैं, और गाइस यार वो पंजी जंपिंग करने के बाद गाइस अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। बताता हूं क्या हुआ भाई, दो तीन सेकंड का खेला है। 2-3 सेकंड में मर चुका था मैं ऊपर हवा में ना, जब मैंने कूदा भाई माँ की कसम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों कूदा भाई। हमको भी यही हुआ, हमने स्लोमो बनाई, उसमें तो बहुत गलत आ रहा भाई, बहुत गलत डाल रहा हूँ, स्लोमो को भी डालेंगे भाई। 100 में भाई एक्सपीरियंस तो है, पर ये मत ही करो भाई, सारा खून सर में लगा था, खून आ गया मेरा, मतलब खून उल्टा होते ना तो आंख लाल हुई नहीं तो मतलब सारा बॉडी का खून इधर आ गया, बट हो जाता थोड़ी देर में ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी चीज ना। आज की अपडेट यहीं तक थी, ना वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहाँ पे जाके अगर आप हमें कुछ अपडेट्स भेजती हो तो आपको बदले में क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। तो बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। हम बता दें, हम आमिर भाई के कट्टर वाले फैन हैं, और हम आमिर भाई को दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और गाइस यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और कांग्रेचुलेशन लिख देना 30 के सब्सक्राइबर करा दो यार आज।